बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में डेंगू पर सर्वे से बड़ा खुलासा हुआ है। 43% लोगों ने माना परिवार में या करीबियों को हुआ है डेंगू। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अगस्त में दिल्ली एनसीआर के 15,000 लोगों का सर्वे हुआ है। एनसीआर के 10% लोगों के परिवार या करीबियों को डेंगू हुआ है, ये खुलासा हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्लेटलेट्स की भी मांग बढ़ी है, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली में न सिर्फ राजधानी बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग डेंगू के इलाज के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हमारे सहयोगी राहुल दबास की एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। राजधानी दिल्ली में बारिश रुक चुकी है, प्रदूषण का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, उसके बावजूद डेंगू के मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं जिनका डेंगू तो पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन प्लेटलेट बहुत तेजी से गिर रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से भी इलाज करने के लिए दिल्ली के अस्पताल पहुँच रहे। दिल्ली के सबसे बड़े दिल्ली सरकार के अस्पताल NJP में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो आपको शख्स नजर आएंगे, ये आगरा से आए हुए हैं और इनकी प्लेटलेट 40-41 हज़ार के आसपास है। हालांकि वहाँ जो टेस्ट कराया गया डेंगू का, वो नेगेटिव आया। बुखार है और तमाम सिम्टम्स ऐसे हैं जो डेंगू के हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। और ऐसा सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ऐसी अनेक केस स्टडी है जहाँ पे प्लेटलेट तेजी से गिरती है लेकिन डेंगू पॉजिटिव नहीं आता है। आपके हस्बैंड कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? तो रहने वाले हैं जिला फरुखाबाद के। अच्छा। हाँ। अभी कहाँ से आए? अभी आगरा से आए हम। तो आगरा तो बड़ा शहर है, वहाँ इलाज वगैरह नहीं हो पाया? सर पैसा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ चले आए। सरकारी अस्पताल में भी नहीं हो पाया? ना, सरकारी अस्पताल में नहीं, बताओ तो दिल्ली की है। प्लेटलेट इनकी 41,000 आ रही है। कैसी तबीयत है, बुखार वगैरह भी है? ना बुखार ना तो सर, मतलब लेटरिन जब भई तो इनके ब्लड आओ लेटरिन में, सुबह से न आओ, कल ले आओ, परसों आओ और आज उल्टी में हल्को ब्लड आओ, तो पस बनी हो तो अंदर। तो यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेटलेट गिर जाती है। हालांकि इनका रिपोर्ट अभी नहीं आई है और यहाँ माता जी रेस्ट कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, जिला बुलंदशहर के। तो क्या डेंगू है कुछ ऐसा? डेंगू है, डेंगू भी है टाइफाइड जी। तो भी कैसी तबीयत है, यहाँ कैसा इलाज हो रहा है? अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पर। माता जी कैसी है सेहत, बात कर सकते हैं? अब ठीक हो आप, कुछ बेहतर हो पहले से? तो कितने दिनों बाद पता चला घर पे कि डेंगू है? बुखार चढ़ा था क्या पहले? बुखार चढ़ा 5 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद फिर पता चला डेंगू है? जिस्म में दर्द और बुखार हो जावे, अब जिस्म में दर्द हो जावे और खान हो जाता। यूपी से आप यहाँ आए हैं बुलंदशहर से, तो वहाँ पे इलाज वगैरह नहीं हुआ पाया क्या? मजदूर आदमी डॉक्टर साहब, मजबूरी में आए हम। ये भी एक बात है कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से इलाज करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरे NCR क्षेत्र और NCR के एक्सटेंडेड भी अगर बात की जाए, जिसमें आगरा को भी जोड़ दीजिए, डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्लेटलेट गिरने के बाद बड़े अस्पतालों का लोग रुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी देरी भी हो जाती है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ एशियन, दिल्ली।